नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, यानी कि क्रिसमस डे है, और सबसे पहले तो आई बन 24 के तमाम व्यूवर्स को मैरी क्रिसमस। गॉड जीसस के इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक आगे खड़ी हुई हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी के कारण यानी कि घरों से बाहर आज नहीं निकलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के दिन ही आज खास तौर पर चर्च आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे को हम मैरी क्रिसमस तो बोलते ही हैं, क्योंकि गॉड जीसस क्रिस्ट का आज हम जन्म मनाते हैं। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि हर धर्म के लोग आज चर्च में पहुंचे हुए हैं, बड़े ज़्यादा खुश हैं, और मेरी आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान इधर ही हो गया है, लेकिन बहुत सारे खुश हैं और सभी एक दूसरे को मैरी क्रिसमस भी विश कर रहे हैं। आप मैरी क्रिसमस विश करना चाहेंगे? या बिल्कुल, मैरी क्रिसमस सिस्टर। आज की क्या मान्यता है, क्यों हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। एक्चुअली हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। वो इस दुनिया में आए, खुद परमेश्वर मनुष्य की देह में होकर आए, उन्होंने एक चरनी में जन्म लिया, और हजारों वर्ष पहले जो उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी उनकी पूरा हुआ, वो पूरी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उन फिर उनको मारा गया था, फिर उनको गाड़ा गया था कब्र में, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे थे, ताकि हम मनुष्य जो पाप के कारण मरे हुए हैं, परमेश्वर हमें अपने साथ मेल मिलाप करे, और फिर हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति बना पाए। क्या आपका शुभ नाम है? शिवानी मैम। शिवानी ने बताया कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि आज देखिए रेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है, फैशन भी है, और ऐसे में क्रिसमस वाले दिन तो रेड इस वजह से पहनते हैं क्योंकि बच्चों को सेंटा क्लॉस बनाया जाता है। एक बार इस सेंटा को हमारे पास एक बार लेकर आएँ ज़रूर। हेलो सेंटा, आपका नाम क्या है? वैसे आपका नाम क्या है? सेंटा तो आज आप बने हो, लेकिन नाम क्या है? युवान। हेलो, माइक में कुछ बोलेंगे? हेलो कर दो। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज हम गॉड जीसस क्रिस्ट का तो बर्थडे मनाते ही हैं, लेकिन सेंटा क्लॉस की क्या मान्यता है? बच्चे यानी कि बड़े सुंदर सुंदर सेंटा क्लॉस की ड्रेसेस पहनते हैं। सेंटा से मुझे तो एक ही बात याद है मेरे बचपन की, कि सॉक्स में कुछ चिट डाल दो, कुछ अपनी विश मांग लो, और सेंटा आपकी विश पूरी करेंगे, रात को आएंगे, चुपके से गिफ्ट रख के चले जाएंगे। सेंटा क्लॉस की क्या मान्यता है? जी एक्चुअली सेंटा क्लॉस जो संत निकोलस थे, और संत निकोलस का 300 AD में वो बच्चों के लिए, मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था जैसे हमें आज इजीली गिफ्ट मिल जाते हैं पेरेंट्स से, बहुत नॉर्मल बात है ये गिफ्ट मिलना, पर उस समय में गिफ्ट मिलना और गरीब बच्चों को बहुत ही बड़ी बात होती थी। मतलब छोटे बच्चों के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, और उनके लिए मतलब कोई गिफ्ट दे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और सेंट निकोलस मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर को मानने वाले एक दास, एक पादरी थे, तो उन पास्टर ने क्या किया कि वो लोग छुप छुप के जाते थे, और उन गरीब बच्चों के घरों के आसपास, खिड़कियों के आसपास उनके गिफ्ट्स रख जाते थे, स्टॉकिंग्स के अंदर, जैसे बोलते हैं कि सॉक्स रख देते हैं, बच्चों को स्टांग देते हैं, तो यही जैसे छोटे बच्चे, जैसे आपने बताया कि आप छोटे थे तो ऐसा होता था, आज ये बच्चे ऐसे ही मानते हैं, पर वो एक परमेश्वर के सेवक थे, तो धीरे धीरे मान्यता चलने लगी कि भाई ना कोई सेंटा आएगा और धीरे फिर हमें कोई सीक्रेटली गिफ्ट देगा। तो सेंटा इज नॉट द एक्चुअली रीज़न फॉर दिस सीजन, बट जीसस क्राइस्ट इज द रीज़न फॉर दिस सीजन। अच्छा, सिर्फ बच्चे सेंटा क्लॉज ही नहीं बनते, बल्कि ये कैप भी बहुत चलती है आज के दिन, यानी कि बहुत अच्छे से पहनी जाती है। बड़े सुंदर लग रहे हो वैसे, आप वैसे ही बड़े क्यूट हो, और कैप डाल के तो और भी क्यूट लग रहे हो। ये कैप क्यों डाली आपने? बिकॉज टुडे इज क्रिसमस। तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आज? मैं यहाँ पूजा करके। पूजा करके? पूजा कैसे करते हैं? हम यहाँ कैंडल लगाते हैं। कैंडल लगाते हैं, कैंडल लगाने से विश पूरी होती है। क्या विश मांगी, सबको बताएंगे या चुपके चुपके मांगेंगे? सबको नहीं बताएंगे, चुपके चुपके मांगेंगे, क्योंकि विश है, विश किसी को बताई भी नहीं जाती। और ऐसे में देखिए कैंडल्स लगाकर लोगों ने अपनी विश ज़रूर मांगी है, और करनाल के रेलवे रोड स्थित चर्च की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ सुबह से ही आनी शुरू हो गई थी, और अब तो और भी ज़्यादा भीड़ यहां पर पहुंच चुकी है। बच्चों के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इस तरह देखिए और भी क्यूट क्यूट सेंटा क्लॉज। हेलो सेंटा। हाय। 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 हेलो। हेलो। ये कौन है? चलो वो छोड़ो, हम बाद में इंट्रोडक्शन कर लेंगे, पहले आप अपना नाम बताओ। नेम बताओ। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? डर रहे हो आप? आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। चलो ठीक है, आप कुछ मत बोलो, हम आपको हेलो सेंटा बोल देते हैं। बहुत सारे। अच्छा, मेरे लिए क्या है इसमें? मेरे लिए क्या है इसमें? क्या है मेरे लिए?
नहीं है। ओ गॉड, खाली खाली है। आप क्या दोगे फिर दूसरों को? ये मुझे ऐसा लगता है ये सेंटा इसलिए ये पोटली लेकर घूम रहे हैं ताकि इन्हें कुछ मिल जाए। इन्होंने तो क्या ही किसी को देना है, ये सोच रहे हैं मुझे ही कुछ मिल जाए और मैं खुद इसमें डाल के यानी घर जाके चॉकलेट्स खाऊं। और भी बहुत सारे लोग हैं। हरजीत जी क्या कहना चाहेंगे, आज क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये सीधी तस्वीरें आप रेलवे रोड पे जो चर्च है वहाँ से देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं और 25 दिसंबर को जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कैंडल लगाकर किस तरह से क्रिसमस में चर्च के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाहर भी आप देखिए कि काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं और काफ़ी सारे स्टॉल हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले हमने आपको तस्वीरें अंदर की दिखाई थी और अब हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये देखिए कि स्टॉल लगे हुए हैं। ये क्या चीज़ बना रहे हैं जी आप? जी मैं टोमेटोज बनाती हूँ, क्रिस्प पोटैटो। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कि अलग अलग तरह के, ये देखिए किस तरह से ये स्टॉल लगा हुआ है, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौनों के लिए भी स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं। और चर्च के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं। और आप सबसे भी अपील रहेगी कि आप भी मैरी क्रिसमस लिखना कमेंट में ना भूलें। और बाहर आप देख सकते हैं कि पुलिस, देखिए कि पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है, वो इसीलिए खड़ी है क्योंकि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है। बच्चे आप देख सकते हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और स्टॉल भी आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर ये देखिए कि पवित्र शास्त्र फ्री कॉपी, काफ़ी सारी यहाँ बुक्स की शॉप है। बाहर की भी आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि बाहर भी काफ़ी सारे बच्चों के गिफ्ट के लिए, बच्चों के खिलौने की स्टॉल लगी हुई है। और ये देखिए कि सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है फिलहाल चर्च के बाहर। ये सीधी तस्वीरें आप रेलवे रोड से देख रहे हैं, रेलवे रोड के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी है और किस तरह से यहाँ पर ये देखिए सेंटा का यहाँ पर बच्चों के लिए जो है मखोटा भी बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, आप सिक्योरिटी कर रहे हैं? यस सर, आपकी सिक्योरिटी है? जी जी जी, हैप्पी हैप्पी मैरिज क्रिसमस डे। क्रिसमस पे कितने बजे तक लोगों का आना जाना लगा रहता है? सर जो हमारे को फादर साहब ने आदेश दिया नहीं, वो 3 बजे से लेके 12 बजे तक आदेश दिया। अच्छा। भाई आपने जो भी हमारे जैसे सिक्योरिटी खड़ी है, हमारी ग्रेवाल सिक्योरिटी है, उन्होंने बोला भी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, आने जाने किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं आने जाएगी। क्योंकि किसी ऐसे शरारती बच्चे किसी प्रकार को किसी को कोई शरारत नहीं करने दी जाएगी जी, बिल्कुल सख्त आदेश दे रखे हैं। अपने भीड़ हो जाती है शाम के वक्त, अगर शाम की बात करें भीड़ तो 11 बजे बाद तो काफी रस हो जाता है, भीड़ काफी हो जाती है। और 12 बजे के बाद फिर कैसे क्या चर्च बंद? 12 बजे तो फिर चर्च ऑफ कर दिया जाता है, चर्च बंद की जी जी। और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। और आप सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूँ हरजीत वर्मा, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।